उदाहरण दो, 7.3456 जहां 456 के ऊपर बार है को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें 7.3456 जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, यह संख्या 456 बार बार दोहराई जाती है। हमें 7.3456 जो कि 456 के ऊपर में बार लगा है को P बटा Q में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम मानेंगे, माना P बटा Q बराबर 7.3456 और 5-6 के ऊपर में हमारे पास बार लगा हुआ है। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? P बटा Q बराबर 7.3456, फिर से पुनः 456 जो ये बार बार पुनरावृत्ति होंगी इसी। अब हम इस समीकरण में दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों को 10 का गुणा करने पर जब हम ऊपर वाले समीकरण को 10 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10P/Q बराबर, इस संख्या को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो 0.1 स्थान दाईं ओर आगे बढ़ेगा, मतलब 3 के बाद 0 लगेगा, तो हमें प्राप्त हुआ 73.456456। ये हमारा पहला समीकरण बना। अब हम क्योंकि यहाँ पे 456 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो हम यहाँ पे दोनों पक्षों में 1000 का गुणा करेंगे तो दोनों पक्षों को 1000 का गुणा करने पर जब हम पहले समीकरण को 1000 से गुणा करेंगे तो 1000 को जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमें 10,000 P/Q प्राप्त होगा। उसी तरह से दाएं पक्ष में जब हम 1000 को 73.456456 से गुणा करेंगे तो 0.3 स्थान दाईं ओर आगे लगेगा, तब ये संख्या बनेगी 73,456,456। इसे हम दूसरा समीकरण मानेंगे। आइए आगे हम अगले पृष्ठ में देखते हैं। अब हम समीकरण 2 से 1 को घटाने पर हमारे पास जो दूसरा समीकरण था उसके बाएं पक्ष में 10,000 PQ था, 10,000 P बटा
क्यू था, और पहले समीकरण में हमारे पास था 10p/q। तो हम इसे घटाने के लिए ऋण लगाएंगे और 10p/q, ये हमारा बायां पक्ष समीकरण दूसरा को हमने एक से घटाया। उसी तरह से दाएं पक्ष पर हमारे पास दूसरे समीकरण में था 73,456.456456। इसको हम घटाएंगे, हमारे पास पहले समीकरण में था 73,456.456456, इसको हम घटाएंगे। तो जब हम बाएं ओर देखते हैं 10,000p/q में से जब 10pq को हम घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 9,990p/q बराबर, दशमलव के आगे की ओर जब संख्या को देखेंगे 0.456456, जब हम इसे घटाएंगे 0.456456456 से तो हमें दशमलव के बाद शून्य प्राप्त होगा। अब कहीं हम 73,456 में से 73 को घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 73,383। जब हम 9,990 को पक्षांतर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा p/q बराबर 73,383/9,990। अब कहीं हम इन संख्या को देखते हैं तो यह दोनों संख्या जो है 3 से पूर्ण विभाजित संख्याएं हैं, तब हम अंश और हर में इसको 3 से काटेंगे। तो ये या इसे हम p/q को और छोटा करेंगे काटने के बाद, तो 3 × 2 = 6, 1 बचा तो 13 हुआ, 3 × 4 = 12, फिर 1 बचा तो ये 13 बन गया, 3 × 4 = 12, 1 बचा तो ये 18, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 3। अब इसे फिर से पुनः हम 3 से काटेंगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, 3 × 0 = 0। तब हमने दी गई संख्या को p/q के रूप में लिखा 24,461/3,330। यह इस उदाहरण का हल होगा। करके देखें, निम्नलिखित दशमलव को p/q के रूप में परिवर्तित कीजिए। पहला, 1.2333 इत्यादि। दूसरा, 3.88 इत्यादि। तीसरा, 3.20043 इत्यादि।